वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आज जो एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी स्किल का जो पेपर हुआ उसकी आंसर की मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और आई होप आप सभी लोगों का पेपर बहुत आसान बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर बहुत ज़्यादा बेसिक पेपर था और अच्छी बात यह है कि मैंने 3 वीडियो आपके साथ डिस्कस किए थे। उन 3 वीडियो में से करीब करीब 20 से 22 सवाल आए हुए हैं, वो मैं आपको साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली बार बहुत सारे लोगों को आंसर की को लेकर बहुत सारी दिक्कतें थी, इस बार उस पर ज़्यादा काम किया गया है और जिन सवालों पे मुझे डाउट था मैंने वो सवाल कुछ कुछ छोड़ दिए हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। जो पहला सवाल आपके पास आया था वो पहला सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिगार्डेड एज कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एयर, वाटर, मिनरल, ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली ये एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल हो गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये सभी क्या है, ये कंपोजिशन ऑफ सॉइल है। तो पहले का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। दूसरा सवाल था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आयरन मिनरल। इनमें से कौन सा आयरन का मिनरल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, वो करेक्ट आंसर है आपका। बाकी ये सभी आयरन के मिनरल्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तीसरा जो सवाल है, व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ एल्कली सॉइल। सॉइल के पीएच के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन फिर से वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9.5 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। चौथा सवाल है, एडिटा की स्ट्रक्चर भी मैंने डिस्कस किया था वीडियो में और एडिटा के बारे में बताया था। तो एडिटा जो होता है वो हेक्साडेंटल लिगेंड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये एडिटा की स्ट्रक्चर भी हमने डिस्कस की थी जब हम चीलेटिंग एजेंट के बारे में वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। पाँचवें पे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन आर यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का इस्तेमाल इनमें से किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए है नॉन मेटल आयन, बी है बेसिक ड्रग, सी है मेटल आयन, डी है ए नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटल आयन के लिए। तो पाँचवें का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर छी है। छठवां सवाल था, इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट इज। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, वैसे सवाल में कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, तो मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा हूँ, वो है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग आयन के साथ जा रहा है। सातवां सवाल बहुत ही आसान सवाल था, कार्बोनेट प्रस्यूड इन वाटर। कार्बोनेट की वजह से वाटर में क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, एसिडिटी, बेसिडिटी। बेसिकली कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है, ये बॉइलिंग से दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सातवें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्रोमेटोग्राफी इज़ ए मैथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर ऑफ कम्पोनेंट इन इंडिविजुअल कम्पोनेंट थ्रू द इक्विलिब्रियम बिटवीन। तो मैं यहाँ पे जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, टू फेज के साथ जा रहा हूँ। क्रोमेटोग्राफी में आपके पास दो फेज जनरली, या तो सॉलिड फेज के साथ लिक्विड होता है या फिर लिक्विड के साथ गैस भी हो सकता है। तो आंसर मैं ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर के साथ जा रहा हूँ। नवा सवाल है, इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी सॉल्वेंट ऑफ लो विस्कोसिटी आर जनरली यूज्ड। बेसिकली जितनी विस्कोसिटी कम होगा उसकी इफ़िशेंसी, सेपरेशन की इफ़िशेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, करेक्ट आंसर है। दसवां सवाल है, डिजॉल्व ऑक्सीजन एनालाइजर इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, एम्पीरोमीटर, कैथ्रोमीटर, पीएच मीटर, वोल्ट मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैथ्रोमीटर, डिसॉल्व ऑक्सीजन के लिए। ग्यारहवां सवाल है, ऑक्सीजन कंटेंट कैन बी कंट्रोल बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इन वाटर। ऑक्सीजन के कंटेंट को दूर करने के लिए हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, ग्यारहवें का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। बारहवें पे आ रहे हैं, लेवल ऑफ पीएच फाउंड इन एंटा एसिड सॉल्यूशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लेस देन इक्वल्स टू योर सेवन। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा हूँ मैं।
तेरहवां सवाल है मोस्ट इसेंशियल मिनरल ऑफ अवर बॉडी, आयरन, सोडियम, कैल्शियम, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ का, हमारे शरीर के लिए आयरन, सोडियम, कैल्शियम सभी ज़रूरी होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ग्वावा, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो आर रिच सोर्स ऑफ। ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन चौदहवें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वो क्या है आपका विटामिन सी। पंद्रहवां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, मिल्क, वाटर, फूड, जूस और वेजिटेबल्स। जो वाटर होता है एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, एक ऐसा फूड कंपोनेंट है जिसे हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं, तो लेकिन ये फिर भी इसेंशियल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पंद्रहवें का बी है, दैट इज वाटर। मैं सोलहवां पे आ रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरली ऑकरिंग एंटी ऑक्सीडेंट, हाइड्रोक्विनॉन, एक्सकॉर्बिक एसिड, विटामिन ई, डी है ऑल ऑफ दिस। तो सोलहवें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, ऑल ऑफ दिस। सत्रहवां सवाल है सॉल्ट ऑफ डैश डैश आर यूज इन फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में हम किसके सॉल्ट का यूज़ करते हैं, मतलब फलों को पकाने के लिए हम किसके सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था हम कैल्शियम के सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। अठारहवां सवाल है आयन एक्सचेंज रीजन बाय कैरेक्टराइज बाय, इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अठारहवें का जो आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। उन्नीसवां सवाल है गैस क्रोमेटोग्राफी वॉज इंट्रोड्यूस बाई, इसका करेक्ट आंसर है मार्टिन एंड स्वेज। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, गूगल से ये आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 19वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 20वां सवाल है क्रोमेटोग्राम इज सॉल्यूट कंसंट्रेशन वर्सेस इल्यूशन टाइम, जो दूसरा है सॉल्यूट कंसंट्रेशन वर्सेस इल्यूशन वॉल्यूम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बोथ ए एंड बी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ आयनिक स्पीसीज, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो होगा वो एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करती है। तो 21वें का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन। ये डायरेक्ट सवाल है हमारा वीडियो से, ये इससे पहले वाला और ये भी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 23वां सवाल पे, टर्म कॉस्मोटिक पैकेजिंग इज यूज इन कॉस्मोटिक इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। शैम्पू 24वां सवाल है, एक सेकंड, 24वां सवाल है शैम्पू जिंक, इन शैम्पू जिंक पायरेथ्रिन इज यूज एज। ऑप्शन नंबर ए कंडीशनर, बी है क्लीनिंग, सी है डिटर्जेंट, डी है एंटी डेंड्रफ। तो बतौर शैम्पू में एंटी डेंड्रफ की तरह यूज़ होता है। 25वां सवाल है क्रीम्स आर बेसिकली सेमी सॉलिड, इमल्सन, सेमी कोलाइट्स, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इमल्सन। 26वां सवाल है प्रिंसिपल ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन, राउट लॉ, ओसवाल्ड लॉ, बॉयल्स लॉ, फ्रेंडविचिस लंगविच लॉ। तो मैं इसके साथ ऑप्शन नंबर ए राउट लॉ के साथ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर वेपर प्रेशर का मामला होता है, सॉल्युबिलिटी वेपर प्रेशर का रिलेशन होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा हूँ मैं। 27वां सवाल है पेस्टिसाइजर यूज इन लिपस्टिक इज, गूगल कर सकते हैं आप इसका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वो है लेंडोनिल, ऑप्शन नंबर ए 27वां, ऑप्शन नंबर ए। 28वां सवाल है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सफिशियंट इन शैम्पू इज आर, ऑप्शन नंबर ए एन आयनिक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 28वें का ए। 29वां सवाल है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन आफ्टर सेव लोशन इज, लोशन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट का इसका करेक्ट आंसर है अल्कोहल। और अगर उसने बताया होता कि आफ्टर जो सेफ होता उसका काम क्या होता, अगर काम पूछा होता तो एंटीसेप्टिक था उसका काम, लेकिन यहाँ पे उसने कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा हुआ, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज़ अल्कोहल। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज रिगार्डेड एज रिगार्ड टू द साइन इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर, ये वीडियो से लगातार सवाल था, ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1 yard इज इक्वल टू 36 inch के बराबर एक यार्ड होता है, ये तो जनरल नॉलेज का सवाल है। 36वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस डिजिट, तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो ये मैंने आपको बताया था जीरो अगर किसी भी नॉन जीरो के बीच आता है, नंबर्स के बीच आता है, तो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो यहाँ पे आप जब टोटल नंबर्स काउंट करेंगे तो वो 6 के बराबर आएंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। टेलकम पाउडर इज मेनली ड्यू टेलकम पाउडर इज मेनली मेड बाई
एलिमेंट किस किस से बनता है? ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम सिलिकन और ऑक्सीजन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 33वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 34वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज कॉज बाय पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये भी पढ़ाया हुआ था। यहाँ पे करेक्ट आंसर सिस्टमैटिक एरर है, ऑप्शन नंबर सी। 35वां सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल था। एसआई यूनिट ऑफ लूमिनियस इंटेंसिटी आंसर है कैलेंडर, ज्योति तीव्रता की मात्रा कैलेंडर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में दिक्कत लग रही है और अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो उसको रिवाइज़ किया जा सकता है। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको अधिक से अधिक आंसर आपको सही मिले। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और अपने कमेंट ज़रूर बताइए कि आपको कितनी मदद मिली है इन सब चीज़ों से। तो थैंक यू।